ओम शांति हम सभी जब प्यार से बाबा को याद करते हैं याद में भी वैरायटी है कोई दिल से याद करते हैं कोई दिमाग से याद करते हैं न किसी की याद बहुत गहरी होती है और कईयों की याद ऊपर ऊपर से होती है कोई गीत की धुन सुनकर बस उसी लहर में लहरा रहे होते हैं और कहीं शिव सागर में भीतर और गहरे समा रहे होते हैं और इसी याद का गायन भक्ति मार्ग में भी है और इस ज्ञान का गायन बहुत ज्यादा है कहते हैं ना भागवत में कि कैसे गोप गोपियाँ मुरली की धुन सुनते ही बिल्कुल अपनी सुध बुद्ध भूल जाती थी तो क्या ऐसी स्थिति हमारी है कि जब हम बाबा के महावाक्य सुने तो सुध बुद्ध भूल जाए न घर याद आए न देह याद आए तो जब ऐसे बिल्कुल तन से भी न्यारे हो जाते हैं ना दुनिया की सब बातों से बिल्कुल बेखबर होकर एक बाबा के ज्ञान की, की मुरली की धुन के अनुसार मन बुद्धि नृत्य करने लग जाता है तो फिर कहते हैं सच्चे गोपर गोपियाँ और हम हैं ना सच्चे गोप गोपियाँ या बनना है सब पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और कहीं तो है हम देखते हैं किसे झूम झूम कर बाबा की मुरली सुनते हैं तो ऐसे ही सच्चे गोप और गोपी बनकर बाबा के ज्ञान से हम अत सुख प्राप्त करेंगे तो आज है चार सॉरी तो सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली आज है चार अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य हैं मीठे लाडले बच्चे बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने बाबा किस लिए आए हैं हमारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने इसलिए इस नर्क से दिल न लगाओ इनको भूलते जाओ जो चीज़ जाने वाली है उससे दिल नहीं लगाओ नहीं तो दिल टूट जाएगी टूटती भी है दुनिया वालों की बहुत अच्छे अनुभवी है कि जब जब जिससे दिल लगाई उसने दिल तोड़ा है परंतु यदि हमारे दिल बाबा से लगी है दिल आराम से लगी है आने वाली नई दुनिया से लगी है तो दिल और मजबूत होती जाएगी और प्रफुल्लित होती जाएगी है ना प्रश्न है रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से कौन सा रहम करते हैं उत्तर है बाबा कहते हैं मैं बाप रूप से मीठी सैक्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे ना सके इतना मीठा टॉफ़ीज में डलती है सैक्रीन थोड़ी सी बूंद भी इतनी मीठी होती है बात मत पूछो तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं बाप रूप से मीठी सैक्रीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे ना सके मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बहिष्त की बीबी बन जाते हो स्वर्ग की महारानी बन जाते हैं ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की यह ज्ञान रत्न तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं तो इन रत्नों को संभाल कर रखना है और इनसे बहुत बड़ा व्यापार भी करना है सफल करते रहना है बाबा से प्राप्त जो भी हमें खजाने हैं उन सब खजानों को जितना हम कार्य व्यवहार में लगाते हैं सेवा में लगाते हैं उतना वो बढ़ते जाते हैं तो जो कुछ भी हमें बाबा से मिला है उन्हें बांटते जाओ आज का गीत है शांति बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है ओम का अर्थ है I am आत्मा मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूं शरीर का फादर वह है जिसने जन्म दिया है उनको कहा जाता है शरीर को जन्म देने वाला फादर और शिव बाबा है आत्माओं का बाप वह तो है ही है ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती हैं वहां सदैव निर्विकारी ही हैं विकारी तो परम धाम में रह ना सके पहले तो यह बात पक्की करनी पड़ेगी मैं आत्मा मेरा बाप परमात्मा पक्का है सबको मैं आत्मा मेरा बाप परमात्मा आत्मा के संबंधी सब भाई भाई हैं इस शरीर के बाप को कहा जाता है लौकिक बाप वो बिल्कुल हमें बॉडी से डिटैच कर रहे हैं याद रहे मैं आत्मा मेरा शरीर दुनिया में सब आत्माएं अपनी अपनी देह में है हम आत्मा रूप से भाई भाई हैं आत्मा के बाप को कहा जाता है पारलौकिक बाप जो सभी का एक ही है पुकारते भी है ना ओ गॉड फादर ओ पति पावन रहम दिल ये आत्मा ने पुकारा किसको बाप को आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है इसलिए उसका नाम ही है सुख धाम सुख और दुख दोनों की अनुभूति आत्मा को शरीर के साथ होती है जब शरीर के साथ आत्मा दुखी है तो दुख धाम सुखी है तो सुखधाम और दुखधाम में आत्मा पुकारती है अपने बाबा को इसलिए उसका नाम ही है सुखधाम स्वर्ग यह है नरक गाया भी जाता है ना दुख में सिमरण सब करे सुख में करे ना कोई याद करते हैं पतित पावन को समझते हैं पतित पावन बाप ऊपर परम धाम में रहता है गंगा को पतित पावनी नहीं कहेंगे गंगा को तो इन आंखों से देखा जाता है निराकार बाप को अथवा आत्मा को नहीं देखा जा सकता परम पिता परमात्मा प्राणदाता जो दिव्य चक्षु विधाता है उनको कहा जाता है ओ गॉड फादर क्रिएटर अच्छा फिर मदर कहाँ से आई जब बोला ना आज का गीत है कौन है माता कौन है पिता इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि फिर मदर कहाँ से आई मदर बिगिर बाप सृष्टि की रचना कैसे रचे मदर तो जरूर चाहिए ना गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता वह है सब का बाप फादर है तो मदर भी जरूर होगी बाप आकर समझाते हैं मैं हूं ही निराकार मैं जब आऊं, शादी करूं, तब बच्चे होंगे है ना शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया अपनी वननी बनाया उसके बाद ही तो हम बच्चे भी तो बने ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी समझो कोई को स्त्री नहीं है चाहते हैं कि अपनी मिल्कित किसको दे कर जाऊं फिर धर्म के बच्चे बनाते हैं एडॉप्ट करते हैं एडॉप्ट करते हैं तो माँ बाप दोनों ठहरे ना तो बेहद का बाप कहते हैं कि मैं भी फादर हूं मैं कैसे रचूं? समझ की बात है ना बाप खुद आकर समझाते हैं मुझे शरीर तो चाहिए ना तो क्या करते हैं बाबा इनका ब्रह्मा बाबा का आधार लेता हूं तुम कहते हो हम ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान तो सब है परंतु इस समय बाप सम्मुख आया हुआ है संतान तो सब है लेकिन इस समय इस समय की खासियत क्या है कि बाबा आए हुए हैं तुम बच्चों को गोद में लेते हैं तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं बाप है स्वर्ग का रचयिता स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं बाबा स्वर्ग रचते हैं और हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं परंतु उसके लिए बाबा हम सबको मालिक बनना है ना राजा बनना है तो राजयोग सिखाते हैं खुद बैठ बतलाते हैं मैं निराकार गॉड फादर हूँ निराकार को मनुष्य सृष्टि का रचयिता कैसे कह सकते तो बच्चों को एडॉप्ट कर उन्हों को ही बैठ समझाते हैं कि मैं शिव निराकार हूँ तुम भी निराकार आत्माएं हो तुम गर्भ जेल में आते हो मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ तो बाबा आत्मा और परमात्मा हम बच्चों में और बाबा में क्या अंतर है ये समझा रहे हैं तुम्हारे लिए है आधा कल्प गर्भ महल आधा कल्प है गर्भ जेल सतयुक्त त्रेता में गर्भ महल द्वापर कलयुग में गर्भ जेल क्योंकि आधा कल्प माया रावण पाप कराती है तो इसलिए जेल है ना पाप कर्म करेंगे गलत काम करेंगे तो सजा तो मिलेगी ना जेल में तो जाएंगे इसलिए गर्भ जेल बाबा कहते सतयुग में माया होती नहीं जो पतित दुखी बनाए मैं इक्कीस जन्मों के लिए तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूं कितने जन्मों के लिए इक्कीस जन्मों के लिए नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है मकान भी पुराना होता है तो पुराने को छोड़ नई में जाते हैं यह भी पुरानी दुनिया है ना वह है नई दुनिया गोल्डन एज पावन दुनिया तो बाप कहते हैं लाडले बच्चे मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा हूँ तुम फिर नरक से दिल क्यों लगाते हो अब नरक को भूल जाओ मुझे बाप और स्वर्ग को याद करो पुरानी दुनिया को भूलते जाओ क्योंकि कहाँ जाना है जहाँ जाना है वहाँ मन और बुद्धि लगाना है जिसको छोड़ना है वहाँ मन बुद्धि नहीं लगाना है ना नहीं तो धोखा हो जाएगा नहीं तो नुकसान हो जाएगा इसीलिए जहाँ प्राप्ति है है ना जहाँ से सुख मिलना है उनको याद करना है क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी आंतरिक स्थिति होगी वैसी ही आत्मा को प्राप्ति होगी इसलिए पुरानी दुनिया को मृत्यु लोक को भूलते जाना है यह है बेहद का सन्यास, मन बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना यह है बेहद का सन्यास। पुरानी देह सहित जो कुछ भी देखते हो उनका भी ममत्व छोड़ो समझो हम सब कुछ ईश्वर को देते हैं यह शरीर धन दौलत बच्चे आदि सब खत्म हो जाने वाले हैं यह वही महाभारी महाभारत लड़ाई है जिसका शास्त्रों में वर्णन है तो सब कुछ जो खत्म होने वाला है पहले से ही बाबा में तैयार कर रहे हैं उनसे बुद्धि योग तोड़ लो जिसके द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलने हैं हरि का द्वार कहते हैं ना, हरिद्वार कहते हैं ना, हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को उनका द्वार है उनका द्वार क्या है वैकुंठ वैकुंठ के गेट बाप आकर खोलते हैं कैसे खोलते हैं हम आत्माओं को वैकुंठ के लायक बनाकर वहां कोई पतित जा नहीं सकता इसलिए पतित से से पावन बनाते हैं हैं दुख से लिब्रेट करते हैं। और जब हम दुखों से लिब्रेट हो जाते हैं प्योर बन जाते हैं तभी से ही सतयोगी दुनिया का आगाज जैसे शुरू हो जाता है और कोई लिब्रेट कर ना सके दुख हरता सुख करता, बाप ही है बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ सदा के लिए सुख देने आया हूँ मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ हथेली पर लाया हूँ तुम राजयोग सीखकर मनुष्य से देवता बनते हो बाबा हमारे लिए स्वर्ग लेकर आए हैं ऐसे कोई ये फिजिकल हाथ तो नहीं है बाबा के परंतु बाबा जैसे हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं हमारे बुद्धि रूपी हाथ में स्वर्ग का ज्ञान दे रहे हैं आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं स्वयं परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं तो ये जो ज्ञान हम धारण करते जा रहे हैं जो उस पवित्रता के सागर की याद से हम पावन बनते जा रहे हैं तो जैसे उस स्वर्ग के लायक बनते जा रहे हैं इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम राजयोग सीख कर मनुष्य से देवता बनते हो बुद्धि भी कहती है कि बरोबर समझ की बातें हैं समझो ये पुरानी दुनिया है फिर यह नई बनेगी सर्वशक्तिमान एक ही बाप है जो अपनी शक्ति से स्वर्ग का मालिक बनाते हैं चाहते भी हैं एक राज्य हो ऑल माइ अथॉरिटी राज्य हो सब चाहते हैं ना एक धर्म हो एक राज्य हो सब में यूनिटी हो ऑल माइ अथॉरिटी का राज्य हो ईश्वर का राज्य हो सो तो सतयुक्त त्रेता में अटल अखंड सुख शांतिमय देवी देवताओं की राजधानी थी कोई विघ्न नहीं था तो जो चाहते हैं हम जो हमारी आशा है वो बाबा हमारी पूर्ण करता है लेकिन सबसे पहले हम सबको एक बाबा की याद में रहना होगा तब स्वधर्म इसकी स्मृति से स्वराज्य इस स्थिति से स्वराज्य अधिकारी सभी आत्माएं बनेंगी सभी का एक ही धर्म शांति सुख आनंद होगा तो एक धर्म एक राज्य होगा एक बाबा की याद से ही ये यूनिटी संभव है है ना और उसका प्रत्यक्ष स्वरूप भविष्य में दिखाई देगा सत्य की दुनिया तो इसीलिए बाबा कहते हैं उनको अद्वैत राज्य कहा जाता है वहां द्वैत नहीं होता डुअलिटी नहीं होती दूसरा धर्म ही नहीं जो दुखी बने ना दो होंगे तो दुखी होंगे युद्ध होगा कौन बड़ा कौन छोटा तो डुअलिटी नहीं है एक ही चीज़ है तो फिर कोई युद्ध की बात नहीं कोई दुख की बात नहीं अभी देखो भल क्रिश्चियन एक ही धर्म के हैं तो भी उन्हों की आपस में बहुत लड़ाई होती है क्योंकि माया का राज्य है सतयुग में माया होती नहीं बेसिकली जो दुख है अशांति है युद्ध है उसका मूल कारण है माया, यानी मैं आया बॉडी कॉन्शियसनेस देह अभिमान आया और उसके बाद फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न जाने कितने सारे विकारों की पूरी लाइन लग जाती है अभी कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो बाबा कहते हैं रहम तो सब पर करूँगा एक पर नहीं सब पर करेंगे सब बच्चों को पापों से मुक्त करता हूं यही बाबा का रहम है जो पाप किए हैं उन सब से बाबा मुक्त करते हैं अर्थात पतित दुनिया से लिबरेट करता हूं तुम सब आत्माओं को ले जाता हूं कहां निराकारी दुनिया में शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो बाबा के साथ सजनी बनकर घर जाएंगे बाकी शरीर तो भस्म हो जाएंगे नेचुरल कैलमिटीज गाई हुई है आसार भी देख रहे हो फैमेन पढ़ना जरूर है अब बाप कहते हैं इस छीछी दुनिया से ममत्व तोड़ो बेहद का बाप है सेक्रीन कहते हैं मैं जो तुमको प्यार करता हूँ सो कोई कर ना सके चारों युगों में बुद्धि को घुमाओ और चेक करो है कोई ऐसा व्यक्ति जो हमें इतना प्यार करता हो जितना बाबा हमें करते हैं ऐसा निस्वार्थ प्यार इतना गहरा प्यार इतना असीम प्यार जो बिल्कुल फ्लक्चुएट नहीं होता सदा एक समान रहता है हम कैसे भी हों गलतियाँ भी करें तब भी बाबा हमें इतना प्यार करते हैं ना जिसका कोई अंत ही नहीं है बच्चे कुछ भी करें कैसे भी बाबा के साथ आज्ञा माने नहीं माने लेकिन बाबा का प्यार बाबा की शुभ भावनाएं हमारे प्रति कभी कम नहीं होती इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं जो तुमको प्यार करता हूं सो कोई कर ना सके अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूँ राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो किस लिए पढ़ रहे हैं हम राजाई के लिए पहले स्वराज्य अधिकारी और फिर विश्व राज्य अधिकारी तो अभी हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं इससे सबसे पहले मुझ आत्मा का मेरी सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियों पर पूरा राज्य होता है बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है नया तो कोई समझ ना सके जब तक कि कोई बैठ उनको समझावे एक हफ्ता बैठ समझे कि मनुष्य से देवता बनना है इसलिए बाप को जादूगर कहा जाता है बदल देते हैं बाबा क्या जादू करते हैं पतित को पावन बना देते हैं मनुष्य को देवता बना देते हैं ना कलयुग को सतयुग बना देते हैं इतना कंट्रास्ट वाला जादू तो कोई भी नहीं कर सकता रात को ही दिन बना देते हैं ना तो ऐसा जादूगर सारे संसार में नहीं है ज्ञान रत्नों से मनुष्य को देवता बनाता हूँ उनको क्या कहते हैं बाबा के और बहुत अच्छे नाम है रत्नागर क्यों ज्ञान रत्न देते हैं सौदागर हमारा पुराना ककपन लेते हैं और हमें सदियों की बादशाही दे देते हैं सौदागर है मुसाफिर भी कहते हैं तो बाबा ऐसा मुसाफिर है जो हम आत्माओं को हसीन बना देते हैं और हमें भी अपने साथ ले जाते हैं तुमको आकर स्वर्ग की महारानी महाराजा बनाते हैं मुसाफिर कितना हसीन है तुम जो कोई काम के नहीं थे हु? अब तुमको पढ़ाकर बहिष्ट की बीबी बनाता हूं तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने के लिए पढ़ रहे हैं जानते हैं सभी किस लिए पढ़ रहे हैं परमात्मा पढ़ाते हैं तो ये कभी नहीं भूलना कौन पढ़ रहा है किससे पढ़ रहे हैं लक्ष्य क्या है पढ़ाई का सदा बुद्धि में रहे तुम यहां क्या पढ़ते हो तुम कहेंगे मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह आसुरी गुणों वाली मनुष्य सृष्टि विनाश होने वाली है कहते भी हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, दुनिया में सब कहते हैं तो वही रहम दिल बाप बैठकर तुमको पढ़ाते हैं हमें फिर से गुणवान बनाते हैं फिर से ज्ञान बुद्धि में धारण कराते हैं फिर से हमें शक्तिशाली बनाते हैं बाबा कहते सभी धर्म वाले एक निराकार बाप को ही परमात्मा मानेंगे मनुष्य भल गॉड फादर कहते हैं परंतु जानते नहीं कि वह कौन है कहाँ आते हैं अभी तुम जानते हो वह पुरानी पतित दुनिया में आते हैं क्योंकि पावन दुनिया स्थापन करते हैं पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं नई दुनिया में तो सुख ही सुख है बाबा कहते हैं नई दुनिया स्थापन करने कल्प कल्प मुझे आना ही है फिक्स है बाबा का पाठ यह तो बुद्धि समझती है कि रात के बाद है दिन फिर चक्र में कलयुग आता है है ना? फिर रात के बाद है दिन दिन के बाद है फिर रात कलयुग आता है कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर होगा ना रात के बाद दिन दिन के बाद रात ये चक्र तो फिरता रहता है बेहद की रात बेहद का दिन सतयुग कलियुग कलयुग सतयुग बदलता रहता है तुम बच्चों को कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी अब ये जब चक्र घुमाते हैं तो हम बन जाते हैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा जानती है मैं चौरासी जन्म कैसे लेती हूं कोई मनुष्य मनुष्य को सदगति दे ना सके मैं ही आकर समझाता हूँ तो सदगति प्राप्त करने से पहले हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है बने स्वदर्शन चक्रधारी अभी सभी अपना स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे तो चले सबसे पहले चलते हैं अपने अनादि स्वरूप में निराकारी दुनिया में और फिर आत्मा इस सृष्टि पर सतयुगी दुनिया में सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बन जाओ फिर आ जाओ द्वापर युग में अपने दिव्य भव्य मूर्त के द्वारा सब भक्तों को शक्ति दो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करो अब आ जाओ संगम युग पर बाबा और मैं कोई नहीं ब्रह्मा मुख वंशावली मैं ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्मा और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करो और सारे विश्व को सकाश दो बार बार ये स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो जितना जितना चक्र फिरेगा उतने उतने विकर्म विनाश होते जाएंगे और फिर हम आत्माएँ सदगति को प्राप्त होती जाएंगी इस जीवन में रहते बंधनों से मुक्त होती जाएंगी। अब आगे कहते हैं मैं ही आकर समझाता हूँ हम तुमको पावन बनाते हैं योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो बाप है सर्वशक्तिमान बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है आकाश पृथ्वी सागर आदि सब तुम्हारा हो जाएगा है ना? ऐसा नहीं ये इसका ये उसका नहीं सब हमारा यहां तो देखो आकाश पर भी हद्म पानी पर भी हद लगी है ना सब जगह पार्टीशन है पॉपुलेशन बढ़ गई है ना तो ये सब कुछ तो होना ही है कहते हैं हमारे पानी के अंदर तुम नहीं आओ हु? तुम तो वहां सारे विश्व पर राज्य करते हो ना स्वर्ग तो फिर क्या है ना स्वर्ग की महिमा अपरम अपार है स्वर्ग को भूल नहीं सकते मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ इतना खूबसूरत स्वर्ग जिसको अब तक भी कलयुग अंत तक भी मनुष्य भूलते नहीं है परंतु स्वर्ग है कहाँ जरूर नरक है ना यह है ही हेल सब मनुष्य दुखी हैं सब पतित हैं यह राज्य ही रावण का है जिसको जलाते रहते हैं परंतु जलता ही नहीं है रावण को एक सौ फुट लंबा बनाते हैं और बढ़ाते रहते हैं क्यों माया का राज्य और ज्यादा और बढ़ता जा रहा है आत्माएं और विकृत होती जा रही हैं। दिन प्रतिदिन लंबा करते रहते हैं परंतु समझते नहीं है उस रावण को बड़ा कर रहे हैं वास्तव में ये माया रावण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ये समझ की बातें हैं यहाँ देखो मुरली चलती है तो फिर टेप में भरी जाती है क्योंकि गोपी काए मुरली बगैर रह ना सके तो बाबा के टाइम पर टेप में मुरली भरकर फिर बाबा भेजते थे अलग अलग सेंटर्स पर तो ये प्रबंध है मुरली बगैर तो तड़फते हैं क्योंकि यह मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली ये मुरली क्या है हमारा जीवन हीरे जैसा बनाने वाली मूल्यवान बनाने वाली दुनिया में भी लोग ज्ञान अर्जित करते हैं तो उनके जीवन की वैल्यू होती है तो वो तो है दुनियावी ज्ञान परंतु ये ईश्वरीय ज्ञान हमारे संपूर्ण जीवन को हमें जन्म जन्मांतर के लिए वैल्युएबल बना देता है तो जितना जितना मुरली धारण करेंगे उतना उतना हम मूल्यवान बनेंगे यहाँ बाबा पढ़ाते हैं जो मुरली फिर लंदन, अमेरिका तक जाती है बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं गाया हुआ है गोपिकाएं मुरली बगैर रह नहीं सकती थी ना, ये तो भागवत में गायन है परंतु है किसका गायन हम बच्चों का गायन है यह नॉलेज गॉड फादर ही सुनाते हैं मुख्य एक बात समझानी है कि यह हमारा बेहद का बाप है इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है यह सबको क्लियर करना है कि यह हमारा बेहद का बाप है इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है आत्मा कहती है मेरा बाप परमात्मा है वह आत्माओं को पढ़ा रहे हैं जब तक ये बात पक्की नहीं है कि हम आत्मा है और परम पिता परमात्मा निराकार बाबा हमें पढ़ा रहे हैं तब तक मुरली अंदर समाती नहीं है क्योंकि तो परमात्मा का ज्ञान आत्माओं के लिए है ना ये दैहिक ज्ञान नहीं है ऊपर से यदि हम ये ज्ञान सुनेंगे तो धारण नहीं होगा ऐसे और कोई कह ना सके कि मैं परमात्मा तुम आत्माओं को पढ़ाता हूं ऐसे भी नहीं कहेंगे कि परम आत्मा नॉलेजफुल हूं तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है परंतु सबकी बुद्धि एक रस तो नहीं होती है कोई की सतो प्रधान बुद्धि है कोई की सतो रजो तमो इसमें टीचर क्या करेंगे है ना बाबा तो सबको समान ज्ञान देते हैं लेकिन बच्चे अपनी आंतरिक स्थिति प्रमाण बुद्धि की पवित्रता प्रमाण धारण करते हैं नंबर वार टीचर कहेंगे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन नहीं देते थे गॉड फादर है नॉलेज फुल जैसे टीचर नॉलेजफुल है स्टूडेंट को पढ़ाते हैं आप समान बनाते हैं वैसे इस सृष्टि चक्र की नॉलेज गॉड फादर के पास ही है और कोई के पास ये नॉलेज है सृष्टि चक्र की नॉलेज केवल शिव बाबा के पास है और कोई नहीं जानते बाप ही नॉलेज सिखलाए नॉलेज फुल बनाते हैं बाप है नॉलेज फुल सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान फुल ज्ञान बाबा के पास है बाकी स्कूल की बुक्स के अंदर हम कुछ ईयर्स के तो हम सुनते हैं पढ़ते हैं कुछ सौ सालों के हम सुनते हैं पढ़ते हैं परंतु संपूर्ण सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान केवल और केवल नॉलेजफुल शिव बाबा के पास है बाप है नॉलेजफुल सबसे ऊंच उच है ऊंचा जिसका नाम है ऊंचा ठाव है ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी थर्ड ग्रेड में है मनुष्य फर्स्ट सेकंड, फिर थर्ड ग्रेड में है मनुष्य निराकारी दुनिया सूक्ष्म वतन और फिर ये स्थूल वतन मनुष्यों में भी ग्रेड है सतयुग में मनुष्यों की ग्रेड बड़ी ऊंची रहती है तुम गोल्डन एज में जाते हो आयरन एज खत्म हो जाएगा गोल्डन एज है तो सिल्वर एज नहीं कॉपर एज है तो आयरन एज नहीं ये सब बातें बुद्धि में रखनी है इसलिए चित्र बनवाए हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं कलयुग में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं पूछते हैं बाबा विनाश कब होगा हु? विनाश तब होगा हु? कब होगा विनाश जब नाटक पूरा होगा सब चले जाएंगे बाबा है मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड मुक्ति और जीवन मुक्ति में कैसे जाना है क्या पुरुषार्थ करना है है ना कैसी स्थिति बनानी है उसको सारा गाइड करते हैं बाबा तो मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड वह रहते हैं परम धाम में तुम भी वहां के रहने वाले हो यहाँ आए हो पाठ बजाने हम आत्माएं ब्रुकुटी के मध्य बैठी हैं और ये जानती हैं कि हम इस शरीर द्वारा अपना निर्धारित पाठ बजा रहे हैं है ना बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें माया पर जीत पानी है इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है दुनिया में जीत प्राप्त करने के लिए हिंसा करते हैं लड़ते हैं झगड़ते हैं यहाँ माया पर जीत पानी है माया है कहाँ बाहर नहीं है अंदर श्रीमद् श्रीमद्भगवद गीता में भी लिखा है कि आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है विकार कहाँ है भीतर ही तो है उन्हीं से युद्ध करनी है कैसे युद्ध करनी है उसके लिए अस्त्र शस्त्र क्या है बाबा का ज्ञान और बाबा की याद इन अस्त्रों और शस्त्रों के द्वारा अपने भीतर के विकारों पर विजय प्राप्त करनी है इसलिए बाबा कहते हैं कि इसमें हिंसा की कोई बात नहीं है सतयुग में हिंसा होती नहीं है वहाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं अच्छा अच्छा मुझे भी किसी के लिए बच्चों की जुर्मानी बाप दादा दादी दा जान सिक्र प्रेम से नंबर वार प्रसाद अनुसार याद कर रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 बाबा धारणा के लिए मुख्य सार पहला बुद्धि से बेहद का सन्यास करना है पुरानी देह सहित जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उनसे ममत्व निकाल बाप और स्वर्ग को याद करना है जो दिखता है उससे ममत्व निकालना है और जो नहीं दिखता जो आने वाला है उनसे बुद्धि योग जोड़ना है यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हमें करना है और यही हमारे लिए चैलेंज है दूसरा पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतोप्रधान बनाना है पढ़ाई को अच्छी रीति धारण कर बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है मुरली ही पढ़ाई है मुरली पर बहुत बहुत ध्यान देना है थोड़ा नहीं बहुत बहुत ध्यान देना है आज का वरदान है भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भाव मन कैसे दुरुस्त रहेगा है ना कई बार क्या होता है कि वही चीज़ें रिपीट होती रहती है ना तो हमें लगता है कि रोज़ वही बाबा बताते हैं तो सब बोर बोर लगता है है ना तो कुछ उमंग नहीं आता इसलिए आज बाबा मन को सदा दुरुस्त रखने का तरीका बताते हैं क्या करना है भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करना है तब मन दुरुस्त बनेगा ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर या बीमार है हुँ? लेकिन मन सबका दुरुस्त उमंग उत्साह से उड़ने वाला है पावरफुल मन की निशानी है सेकंड में जहां चाहे वहाँ पहुँच जाए पावरफुल मन की क्या निशानी है जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो जब याद रखेंगे बाबा से हमें क्या प्राप्त है भाग्य विधाता याद है और उनसे क्या हमें प्राप्तियाँ हुई हैं कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा तो ऐसा लगेगा जैसे सदा उड़ रहे हैं अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति मिलाओ कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो कभी किसी तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी बोर नहीं होंगे नवीनता का अनुभव करेंगे तो ये ज्ञान है ही रमणीक है ना? बोर होने का ज्ञान नहीं है बस नई नई पॉइंट्स नई नई बातें भाग्य की नई नई स्मृतियाँ इमर्ज करते रहो तो फिर देखो सदा मन दुरुस्त रहेगा शक्तिशाली रहेगा उड़ता रहेगा स्लोगन है आगे पीछे सोच समझ कर आगे पीछे सोच समझ कर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी आगे पीछे सोच समझ कर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी और आज हम एक श्रेष्ठ बहुत अच्छा होमवर्क भी करेंगे आज की मुरली के आधार से जैसे बाबा ने कहा ना कि हमें बेहद का सन्यास करना है तो फिर मॉर्निंग से लेकर नाइट तक जो भी कर्म करते हैं उसमें देखेंगे कि हम अंदर से कितना डिटैच हैं अटैच होकर कितना काम करते हैं और क्यों अटैचमेंट है उस कारण को भी हम बिल्कुल ध्यान से रिकॉग्नाइज करेंगे किस कारण से हमारी अटैचमेंट है ना और फिर उसको समझ कर उसको हटाएंगे और उन सब से धीरे 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 अपना ममत्व तोड़ते जाएंगे तो बेहद का वैराग्य करना है हमें तो धीरे धीरे बेहद के सन्यासी बनेंगे ना तो फिर कहीं ममत्व नहीं होगा फिर मन और बुद्धि शक्तिशाली बनेगा उड़ता रहेगा जब चाहे जहाँ चाहे, वहाँ उस स्थिति में स्थित हो पाएंगे क्योंकि ये जो आकर्षण है ये जो विकर्षण है ये हमें बार बार नीचे खींचते हैं इसलिए सुबह से लेकर शाम तक बार बार डिटैच होने की साक्षी दृष्टा होकर हर कर्म करने की और बिल्कुल लगाव मुक्त होने का अब हम बार बार अभ्यास करेंगे करेंगे ना सभी चलो बहुत अच्छा ओम शांति Thank you.